हरियाणा राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम सघन पौधारोपण अभियान से आज पूरे राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत जोधपुर प्रभारी व शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज जोधपुर दौरे पर रहे और इस दौरे के दौरान उन्होंने जोधपुर की महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रांगण में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का आगाज किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री दिलावर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने सबसे निवेदन किया है, आग्रह किया है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करें और हमने साधु संतों से लेकर विद्यालयों तक और पंचायत तक आग्रह किया है और इसी के तहत आज पूरे प्रदेश में सघन पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि धरती माँ संकट में है और इस संकट को बचाने के लिए पौधारोपण बेहद ज्यादा जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस तापमान को घटाने का एक ही मात्र जरिया है जो कि पौधारोपण किया जाए। उन्होंने पत्रकारों से भी आग्रह किया कि आप भी इस महाअभियान का हिस्सा बने और इसके सहयोगी बने, आप भी वृक्षारोपण करें। वहीं पश्चिम राजस्थान के भारी बारिश के सवाल को लेकर शिक्षा मंत्री टालते हुए आगे बढ़ गए। आपको बता दें कि आज जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का कार्यक्रम आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों के अलावा जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण में वृक्षारोपण कर इस अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आग्रह किया, निवेदन किया कि सब प्रदेशवासी हरियाली तीज के दिन अधिक से अधिक पौधे लगाएं और सबको हमने निवेदन किया था, किसानों को किया, मुझे संतों को निवेदन किया, हमने गौशाला संचालकों को निवेदन किया, हमने मोटरसाइकिल चलाने वाले, कार रखने वाले, ट्रक रखने वाले, बस रखने वाले, एसी चलाने वालों से निवेदन किया और आप सब पत्रकारों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप भी कम से कम 50-50 पौधे आप भी लगाएं कि भारत माता हम सबकी है। इसको जो संकट में है भारत माता, और इसलिए संकट में है, इसलिए पीड़ा में है कि मेरी तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो मेरे सब बच्चों को नुकसान होगा, इसलिए वो चिंतित है। इसलिए उनकी पीड़ा को, वेदना को कम करने के लिए हम सब लोगों को पौधे लगाने के लिए जुटना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।